दर्दनाक वाकया जिसमें दो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो कि आपस में बहनें थी उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये आगाज़ में तो ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन टाउनशिप पुलिस की बेहतरीन काविश और इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया गया, चूँकि ये डबल मर्डर था, और इसमें इनका अपना ही भतीजा निकला। ये वही भतीजा है जिसने इससे पहले भी इसी घर में वारदात की थी, और गालिबन जब वो पहले वारदात करके सोना और कुछ कीमती अशिया लेकर गया था, अब दोबारा टारगेट उसका वही सोना और वही कीमती अशिया थी। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वकूए की तरफ आते हैं। ये मामला क्या है, किस तरह से ये डबल मर्डर का इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में दो खवातीन को कत्ल कर दिए जाने की दर्दनाक वारदात ने दिल दहला दिए। बुजुर्ग खवातीन जो ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थीं, उनको कत्ल क्यों किया गया, आधी रात को घर के कमरे में कौन आया था, किसने बुजुर्ग खवातीन को बेदर्दी से कत्ल करके उनकी लाशों को आग लगा दी थी, क्या आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, सच्चाई खुलने पर मुलजिम ने किए कौन कौन से इंकशाफात, क्या कातिल खवातीन का भांजा निकला, क्या मुलजिम ने फूफियों के तानों से तंग आकर फूफियों को उतार डाला मौत के घाट, पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन से राज खुले, लाजमी देखिए फूफियों के ताने, भतीजा गजबनाक दर्दनाक दास्तान, मुजरिम कौन। मेरे साथ मोहम्मद इशफाक राणा साहब हैं जो कि डीएसपी हैं टाउनशिप सर्कल के। इन्होंने और इनकी टीम ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और इस सारे केस को रिवील भी किया। हम राणा साहब से बात करेंगे और इस केस की डिटेल लेंगे। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। वकूआ कब रिपोर्ट होता है, पुलिस जब आपकी टीम वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ से जाए वकूआ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ये तो बाद में भी ट्रेस हुआ, ज़ाहिर ब्लाइंड मर्डर था, किस तरह से मामला आगे बढ़ता है? ये 2021 के ये समझ लें कि आखिरी जो अंदोहनाक केसेस हैं उनमें से एक है। बिल्कुल ठीक है। ये दो इंतहाई उम्र सीधा औरतें जो कि अपने घर में अकेली रहती थी और एक इनकी तीसरी बहन उसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी, वो किसी एक अपने शादी के फंक्शन में इस्लामाबाद गई हुई थी और घर में ये दो खवातीन ही थी कि हमें जो इतवार का दिन था और 26 तारीख थी दिसंबर की, जब हमें 15 के ज़रिए ये कॉल मिलती है कि घर के अंदर आग लगी हुई है, उस पर जो है वो रेस्क्यू की टीमें भी पहुंचती हैं, हम भी पहुंचते हैं और मौके पर जाके हम पहले रेस्क्यू वाले आग बुझाते हैं, मगर जिस वक़्त हम गौर से उस मौके को मुलाजा करते हैं तो हमें जहां पे पानी फेंका होता है वहां पे ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं। अच्छा। हम ये सोचते हैं कि अगर ये आग लगी है तो इसमें ब्लड तो नहीं होना चाहिए। ये आग किस नियत की थी, पूरे घर को अपनी लपेट में लिया हुआ था? नहीं, ये आग सिर्फ एक कमरे के अंदर लगी थी और उस कमरे में एक बेड जहाँ पे दोनों खवातीन वो रहती थीं, ये बेसिकली उस कमरे को ही आग लगाई गई थी। ठीक है। लेकिन आग दरवाजे बंद होने की वजह से और खिड़की बंद होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से आग ज़्यादा फैल नहीं सकी और उसने तकरीबन 40-50% जो है वो कमरे को नुकसान पहुँचाया, बेड का भी उसने जो सरहाने वाला हिस्सा था उसको किया और जो पाँव वाला हिस्सा था वो उसका बच गया। इसी तरह से लाशें जो हैं वो बेड से नीचे गिरी हुई थी और बेसिकली आग ना जलने की वजह से जो वहाँ पर सबूत थे वो ज़ाया नहीं हुए। अगर आग पूरी भड़क जाती तो फिर वो यकीनन लाशें भी ज़ाया हो जाती। आग जो है वो सुलगती रही, वो सुलगती रही, आग पकड़ी जाती है जिस तरह आग लगाई गई ऑलमोस्ट रात को 3 बजे। ठीक है। क्योंकि बाद में हमें चीज़ें रिवील हुई और सुबह दिन के 3 बजे 12 घंटे के बाद भी वो आग मुकम्मल भड़क ना सकी, बल्कि वो आग थोड़ी 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 सुलगती रही। ये पुलिस को इतला किसने दी या 112 को मैंने जिक्र किया कि जो बहन एक और इनकी जो भाभी एक गई हुई थी इस्लामाबाद, वही जब वापस आए हैं अपने घर पहुंचे हैं तो उन्होंने घर में कुछ चीज़ें नोट की। एक जगह से उन्होंने पीछे जाकर देखा तो उनको उस कमरे में से कुछ धुआं उठता नज़र आया, जिसकी वजह से शक पड़ा, फिर उन्होंने कॉल की 15 की, हमने रेस्क्यू को इन्फॉर्म किया, रेस्क्यू वाले भी पहुंचे और हम पुलिस के लोग भी पहुँच गए वहाँ। लाशों की हालत क्या थी? लाशें जो थी वो झुलस चुकी थी, लेकिन आग के मुकम्मल ना फैलने की वजह से लाशें ज़ाया नहीं थी हुई, यानी कि उनको कोई ये लगा लें कि 40-30% वो जली थी और लाशें महफूज थी। फिर जब हमें शक पड़ा तो हमने आग का सोर्स वहाँ पे
ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर आग लगी कैसे है, किसी शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई हीटर की वजह से लगी है, कोई इस्त्री की वजह से लगी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि जिससे हम इस नतीजे पे पहुँचते कि ये आग एक्सीडेंटली लगी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल करने के बाद खुद दोनों लाशों को आग लगाई थी। शातिर मुलजिम वाके को शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग दिखाना चाहता था। पुलिस की तफ्तीश में राज फाश हो चुका था। सफाक मुलजिम की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई थीं। मुलजिम अहमद कमाल इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये वो शातिर मुलजिम है जिसने अपनी दो फूफों को कत्ल किया। ये जो मंसूबा बंदी है ये कोई आम शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि इस कत्ल में ना तो कुछ छुरी का इस्तेमाल किया गया, ना किसी चाकू की मदद से ये कत्ल किया गया, ना गोली चली। इसमें कैंची इस्तेमाल की गई और जो बर्फ़ तोड़ने वाला जो आला होता है जिसे हम सुआ कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इसने कत्ल करने के बाद उनकी जान लेने के बाद, अपनी सगी फूफों की जान लेने के बाद एक स्त्री जलाई और उसे जलाकर छोड़ के चला गया, एसी भी जला दिया। ये तासुर देने की कोशिश की कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इसमें खुशकिस्मती का लफ्ज़ पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन किसी हद तक खुशकिस्मती ये थी कि लाशें मुकम्मल तौर पर नहीं जली थी। अगर झुलस कर राख हो जाती तो शायद ये मुलजिम आज हथकड़ी में ना होता, आज यहाँ पुलिस की हिरासत में ना होता। अहमद कमाल इसका नाम है, मैंने पहले आपको बताया। ये क्या करता है, इसने ये कत्ल क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, इसका टारगेट क्या था, ये दो ख़वातीन ही, बुज़ुर्ग ख़वातीन ही टारगेट थी या वहाँ से कोई चीज़ चुरा के लेकर जाना चाहता था, क्योंकि इसी मुलज़िम ने पहले भी इसी घर में चोरी की थी। अहमद कमाल नाम है तुम्हारा पूरा, सामने देखो। जी जी। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ, प्राइवेट कैंडिडेट। अच्छा, बीकॉम कर रहे हो। जी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल है। उस दिन कितने बजे उनके घर पे गए थे, फूफो के घर पे? 10:30 के करीब। रात 10:30 के करीब? हाँ जी, रात 10:30। ये तुम्हें पहले से पता था कि घर में ये खवातीन दो अकेली? हाँ जी, मुझे पता था। कैसे पता था? जाहिरी बात है फैमिली रिलेशन है तो मुझे पता था। बाकी सारे शादी पे? क्या पता था, कहाँ पे गई हुई है बाकी सारी फैमिली? इस्लामाबाद शादी थी, वहाँ पे गई हुई। शादी पे गई हुई? तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं गई शादी पे? नहीं, हमारी फैमिली नहीं गई। अच्छा, ठीक है। और ये तुमने प्लान कितने दिन पहले ये बनाया हुआ था, ये कब से ये तुमने ये नियत कर ली थी कि मैंने इन दोनों खवातीन को, फूफों को कत्ल कर देना है? जब से शादी का सुना था तब से। किस शादी का? ये जो इस्लामाबाद शादी थी। इस्लामाबाद वाली शादी का? जी। वजह क्या थी, क्यों सोचा तुमने, क्यों प्लान क्यों किया? मैंने उनके घर चोरी की थी। ये कब की बात? 2021 में, 23 में वाले दिन मैंने उनके घर चोरी की। 2021 में? हाँ। तो फिर मैं उसी साल जी मैं पकड़ा गया तो उन्होंने कहा ये बात इस घर में दफन हो जाएगी, मगर उन्होंने बात ही घर में दफन नहीं की। ठीक है। उन्होंने मुझे हर जगह जलील कर दिया, चोर मेरे माँ बाप इसी वजह से कहीं जाते नहीं थे। अच्छा, जलील कर दिया। इस बात का बुरा लगा? हाँ जी। तुमने चोरी नहीं की थी? की थी ना। तो फिर बुरा क्यों लगा? बात को फैलाने की वजह से। बात फैलाई ना जाती? ना, बात फैलानी नहीं चाहिए। क्या बड़ा नेकी का काम किया था तुमने जो बात ना फैलाई जाती? एक तो शुक्र करो कि तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया उन्होंने, तुम्हें उल्टा इस बात का गुस्सा था कि जी मेरा लोगों को क्यों बता रहे हैं, रिश्तेदारों को बात क्यों पता चली, तो तुमने चोरी नहीं की, तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने तो तुम्हें सजा भी नहीं दिलवाई। मैंने उनसे सॉरी कर ली थी। अच्छा, सॉरी कर ली थी? हाँ जी। बस काफ़ी था इतना? किसी के घर चोरी करना, तुम्हारे घर कोई आए चोरी करे और बाद में तुम्हें सॉरी करे तो माफ़ कर दोगे? बताओ। घर के अगर किसी फर्ज से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। माफ़ कर देनी चाहिए। ठीक है। वो चोरी तुमने क्या किया था तब, क्या क्या चीज़ें चोरी की थी? 35 तोले जेवर था, बॉन्ड्स थे और कैश था। अच्छा, और उसमें से कितना तुमने इस्तेमाल किया? सिर्फ 6.5 लाख कैश यूज़ किया था, बाकी वापस कर दिया था। यूज़ किया था, तब भी किसी को पहले पता नहीं चला था ना कि तुमने चोरी की है? नहीं, पता चल गया था। फौरी पता चल गया? हाँ जी, फौरी पता चल गया था। 6 लाख रुपए का क्या किया तुमने? वो मैंने काम वगैरह स्टार्ट कर लिया था पर फैंसी बर्ड्स का। हमारे वालिद क्या कोई मेहनत कश आदमी है, उनके पास पैसे नहीं होते? वालिद से पैसे नहीं मांगे अगर काम करना था? वो अकाउंटेंट रिटायर्ड हैं वापडा से। अच्छा, पैसे शैसे नहीं होते उनके पास? इतने ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, तो तुमने सोचा कि अपने ही घर में नकब लगाई जाए? हाँ जी। अपनों को टारगेट किया जाए, और टारगेट तुमने इसलिए किया क्योंकि वो खवातीन है, उस घर में मर्द नहीं था कोई भी, इसलिए किया टारगेट? हाँ जी। ये मर्दान किया तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा, फिर वो मामला हुआ, चोरी हुई, तुमने की, तुमने चीज़ें वापस कर दी, 6 लाख रुपये तुमने इस्तेमाल कर लिया, तुम्हें सजा भी नहीं हुई, पुलिस ने भी तुम्हें नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने बात दिल में रखी, इस बात की वजह से फैमिली में लड़ाई रहना शुरू हो गई। हाँ जी।
मुलजिम ने अपनी फूफियों के घर चोरी की थी। मुलजिम की चोरी पकड़ी गई, इस वजह से खानदान में फूट पड़ चुकी थी। पुलिस की तफ्तीश में भी सच सामने आ चुका था। इसी वजह से हमारा शक और गहरा हो गया। PFSA को कॉल किया, क्राइम सीन यूनिट को कॉल किया, सब इदारों ने मिल के और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रेस्क्यू वाले थे, हमारा ओपिनियन ये बन गया कि ये एक कत्ल है। उसके बाद हमने जली हुई लाशों को गौर से जब देखना शुरू किया तो हमें पता चला कि उनके सर पे भी ज़ख्मों के निशान हैं और उनके सीने और इस तरह से मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर निशानात हैं जो कि किसी ऐसे लगता था जैसे तेज़ धार आले से लगाए गए हैं। जब हमें शक पड़ गया और बाद में हमने PFSA के हमरा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मुकाम को सर्च किया जहाँ पे वाकया हुआ था, जिस कमरे को, तो हमें एक बर्फ़ तोड़ने वाला सूआ भी मिल गया। अब हमारा शक जो था वो और पक्का हो गया कि ये सूए का तो कमरे में कोई काम नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये ऐसे ही हुआ होगा कि इनको पहले कत्ल किया गया और वैसे भी उनकी लाशें बेड से नीचे गिरी हुई थी, फिर उसके बाद उसको आग लगा के ये रंग देने की कोशिश की। ठीक है, तो सबूत आपको मिल गए, पैरल गए, मिल गए ये कत्ल, और फिर हमने उसको लाशों के मुलाजे से हमें पता चल गया कि ये इनको मर्डर। सिर्फ ये सुए की मदद से, यानी सुए से कत्ल किया गया था। इसमें हमें बाद में रिवील हुआ कि सुआ भी इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जब एक कैंची भी इस्तेमाल हुई है जो कि उसी घर के किचन से ली गई थी, मुलजम ने वहीं से कैंची भी ली और सुआ भी लिया और पहले उससे जो है वो उनको सुआ तो आपको मिल गया, कैंची भी मिल गई। कैंची भी वो तो बाद की तफ्तीश में अब चीज़ें रिकवर हो रही हैं, वो मैं उस तरफ आता हूँ जब आपको आगे केस की थोड़ी तफसील बताऊँगा। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें एविडेंसेस ये भी सुनने में आ रहा है। आप तस्दीक कीजिएगा कि एक स्त्री भी ये मुलजिम जला के और वहाँ पर रख के चला गया जी। एग्जैक्टली, इसमें करने के लिए ना हमें कि ये जो है वो पड़ जाए पुलिस वाले भी इस चक्कर में कि आग लग गई है, इसने एक स्त्री भी ऑन छोड़ दी, इवन इसने AC का स्विच भी ऑन कर दिया हालांकि AC का सीज़न नहीं था। ठीक है, ताहम जो आग का सोर्स था वो स्त्री की तरफ से था नहीं, स्त्री सिर्फ गर्म होकर अपनी जगह पे रही लेकिन स्टैंड उसका महफूज था। अगर स्त्री जलाती तो फिर वो सबसे पहले खुद अपने आप को पूरी जलाती फिर आग आगे फैलती, मगर इन चीज़ों की वजह से हमें पता चल गया कि ये आग जो है वो खुद लगाई गई है, एक्सीडेंटल नहीं। ठीक है, उसके बाद जाहिर है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई जी, फैमिली आ गई, पोस्टमार्टम भी इसका हुआ होगा यकीनन। जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर किसे आपने बनाया? हमने जो उनका एक सगा भाई है, यूसुफ साहब उनका नाम है, जाहिर है सबसे क्लोज रिश्ता तो भाई का होता है, हमने उनको ही मुदई बनाया। उनको मुदई बना के हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद हमने उनका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में भी कुछ चीज़ें रिवील हुई। बाद में फिर हमें इस चीज़ का, ये दोनों औरतें बेऔलाद थीं और हमें ये आइडिया था, नहीं इनके खामद भी हयात नहीं है, एक जो है वो डिवोर्स हो चुकी है, दूसरी का खामद फौत हो चुका है, तो ये वहाँ पर अकेली ही रहती थी और इनकी एक बहन है और एक इनकी भावज है, वो इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन थी इनकी जो जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बड़ा अच्छा उन्होंने गालिबन प्रोफेसर भी थी, किसी कॉलेज में वो पढ़ाती भी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन थी और उनसे किसी को कोई दुख परेशानी या कोई ऐसी बात नहीं थी, उनके मोहल्ले में भी रेपुटेशन ठीक थी, अच्छी औरतें। लेकिन ये इनका हमें डाउट ये पड़ रहा था कि ये हो ना हो ये इनकी फैमिली के अंदर ही कोई इशू होगा, किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। बिल्कुल, लिहाजा हमने जब इन चीज़ों को प्रोब किया और हमने काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स की CDRs पे काम किया उनके, इसने होशियारी दिखाते हुए इसने अपना जो मुलजम है इसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया हुआ था, मगर फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे मिल गई कि जिसकी वजह से हमें डाउट पड़ा कि बाकी लोगों को हमने जो है वो निकाल के फिर इस एक को जो है वो जब ट्राई किया तो इसने सबको इंटरोगेट किया आपने, उसमें मुलजम भी शामिल था। बिल्कुल, उसमें मुलजम भी शामिल था। पहली ही मुलाकात में या पहली दफ़ा आपने इसका इंटरव्यू किया तभी आपका शक चला गया होगा। तब शक जा रहा था लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, ये चीज़ों को ना बस ऐसे कर रहा था कि नहीं जी मैं तो वहाँ 1.5 साल हो गया उस घर में गया ही नहीं, मेरा फूफों के साथ बहुत प्यार था और मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप मुझसे जो मर्जी पूछें। लेकिन चूंकि हमारे पास जो नंबर इसने यूज़ किया था उसकी कुछ हमारे पास चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको अब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ज़ाहिर हमारी तफ्तीश का हिस्सा है और उस तरह से अगर हम बताएंगे तो फिर आने वाले दिनों में मुलजमान उसको भी अवॉइड करने लग पड़ते हैं, लिहाजा हमने उन चीज़ों पे काम करते हुए हमारे पास साउंड चीज़ें आ गई थी। फिर इसको हमने बताया कि नहीं यार तुम उस रात उसी घर में थे, लोकेशन उसकी थी। एग्जैक्टली, फिर वो उसने एक्सेप्ट किया और फिर उसने बताया कि जी बिल्कुल मैंने उनको मारा है और मैं रात को ही उस घर में छुप के बैठ गया था क्योंकि औरतें अकेली थी घर में, दरवाज़ा वगैरह उनका लॉक नहीं होता था। ये घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ? ये घर के अंदर गेट से गया, घर के अंदर दीवार फलांग के चला गया, साथ हम अंदर वाला जो दरवाज़ा है नहीं, बाहर मेन पे, बाहर मेन से दीवार इतनी बड़ी नहीं है,
तो जो इनका वो था ना जी घर के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा, वो खुला ही हुआ था। अच्छा। इवन वो जिस वक्त हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीमें गई हैं, वो कुआ हुआ है, उस वक्त भी वो खुला ही हुआ था। पुलिस के मुताबिक दर्दनाक वाकये में भी घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुलजिम को घर में दाखिल होने का मौका मिल चुका था। क्या शातिर मुलजिम सोना नकदी चोरी करना चाहता था? उस रात क्या हुआ? क्या फुफियों के तानों ने नौजवान का जीना दो भर कर दिया था? क्या लड़ाई होती थी? बस वैसे कोई मुझे बुलाता वगैरह नहीं था, कोई सब इग्नोर करते थे इसलिए। फैमिली वालों ने बुलाना छोड़ दिया था? हाँ जी। बात करना छोड़ दी थी? हाँ जी। फिर इसी बात का गुस्सा था? हाँ जी। फिर तुमने प्लान किया, तुम्हें पता था शादी आ रही फैमिली में, सब गए होंगे इस्लामाबाद। ये दो खवातीन जो तुम्हारी फुफो लगती हैं, जिन्हें तुमने कत्ल किया है, ये क्यों नहीं गई थी? ये काफ़ी बुजुर्ग थी, ठंड की वजह से नहीं गई थी। ठंड की वजह से नहीं गई थी? इस बात का तुम्हें एहसास है कि काफ़ी बुजुर्ग हैं? हाँ जी। कितनी उम्र थी इनकी? 76 और 68। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें एक दफ़ा भी एहसास नहीं हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम किस पे वार कर रहे हो? एक तो रिश्ते में फुप्पो है, माँ बराबर है, और दूसरा वो इतनी उम्र रसीदा हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? कोई एहसास नहीं हुआ तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि फैमिली वाले ताने देते हैं, और वो ताने भी बिल्कुल जायज़ थे क्योंकि तुमने चोरी की थी, सिर्फ इस वजह से तुमने अपनी फुफों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? हाँ जी। कोई एहसास नहीं हुआ तुम्हें उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? एक लम्हे के लिए रुके भी नहीं तुम? नहीं, बिल्कुल। किस तरह कत्ल किया? कितने बजे? 10:30 बजे तुम घर चले गए, उसके बाद? 3:15 के करीब मैंने उनको कत्ल किया। 3:15 बजे के करीब कत्ल किया था। क्या करते रहे इतने घंटे? उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चल सका? नहीं। घर में दाखिल कैसे हो गए? द्वार फलांग के आगे दरवाजा खोल के, जो मेन दीवार है, वो फलांग की थी जी। उसके बाद ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए? हाँ जी। इंतजार किया सोने का? सो तो पहले ही रही थी। तो फिर बस वैसे ही बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी? किस चीज़ की हिम्मत नहीं हो रही थी? उनको कत्ल करने की। कत्ल करने की? फिर हिम्मत कैसे बंधी दोबारा? बस अचानक कैसे की? अचानक ही बस गुस्सा फिर आया। क्या सोच रहे थे उस वक्त बैठे? क्या सोच रहे थे, क्योंकि तुम कई घंटे बैठे रहे हो वहाँ पर? कुछ भी सोच नहीं रहा था, बस जाता था फिर वापस आ जाता था, फिर एकदम कमरे में गया और मैंने कत्ल कर दी। क्या सबसे पहले किसे अटैक किया और किस तरह से किया? छोटी फुफो को कैंची मारी। कहाँ पे? ये नहीं पता, बस रैंडम मारी थी। रैंडम मारी थी? कमरे की लाइट जल रही थी? हाँ जी, जल रही थी। रैंडम कैंची मारी जी। कैंची कहाँ से? उसी घर से ली थी? हाँ जी, उनके ड्रेसिंग पे पड़ी थी। ये सोच कर गए थे कि मैंने कैंची से कत्ल करना है और मैंने सुए से कत्ल करना है, क्योंकि कत्ल का इरादा तो तुमने किया हुआ था, लेकिन घर से कोई पिस्तौल तो नहीं लेकर गए ना कोई छुरी चाकू लेकर गए? क्या सोचा हुआ था कि उनके घर से ये चीज़ें उठानी? हाँ जी। ये प्लानिंग तुमने अकेले ने की? हाँ जी, मैंने लग नहीं रहा अकेले ने की मैंने। बड़े शातिर मुलज़िम मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरह का शातिर मुलज़िम मैंने नहीं देखा। उन्हीं के घर की वो अशिया तुमने इस्तेमाल की जो आम तौर पर लोगों का जिस तरफ जहन ही नहीं जाता, कैंची की मदद से तुमने सुबह मारा, वो भी उनके घर की चीज़ें। अच्छा, जब एक पे अटैक किया दूसरी उठी नहीं? दूसरी उठ गई थी, फिर मैंने उन पर भी अटैक किया, वो भी गिर गई नीचे। एक बात सच सच बताओ, इधर मेरी तरफ देख। हाँ जी, सच सच बताओ जी। जी, जब तुमने अटैक किया जी, माफ़ी भी मांगी होगी उन्होंने, कुछ चिल्लाई भी होंगी, मिन्नतें की होंगी कि माफ हमें छोड़ दो? नहीं, जल चिल्लाई नहीं बिल्कुल भी, वो नीचे गिर गई थी बस। नीचे गिर गई थी। जब दूसरी उठी उसने कहा नहीं कि मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, ना मारो मुझे, उनको मौका ही नहीं मिला, उनको भी मैंने मौका ही नहीं मिला। एक पे वार किया, उसके बाद फौरी से तुमने दूसरे पे वार किया जी। जी, कितने कितने वार किए? नहीं पता एग्जैक्टली, नहीं पता। कितनी देर वार करते थे? 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट। 2-3 मिनट तक मुसलसल वार करते रहे जी? वो चीखती रही होंगी, चिल्लाती रही होंगी। हाँ जी। जी, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने चेक किया कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, इनकी जान निकल गई? हाँ जी। कैसे चेक किया? सांस नहीं चल रहा था। सांस नहीं चल रहा था, दोनों को तसल्ली से चेक किया जी। फिर मैंने उनके घर की बेडशीट को आग लगा दी थी। बेडशीट को आग लगाई और उनके ऊपर फेंक दी? नहीं, उनके ऊपर नहीं फेंकी, बस आग जब वो नीचे गिरी हुई थी बेड से, आग लगा दी। तुम्हें यह था कि बेडशीट को मैं आग लगाऊंगा, पूरा कमरा या पूरा घर जल जाएगा? हाँ जी। फिर उसके बाद कितनी देर वहां पे रुके और कैसे? फौरी घर आ गया। मुलजिम एतराफ कर रहा है कि वो फुफियों के तानों से तंग आ चुका था। इन्हीं तानों की वजह से उसने पहले फुफियों को अजियतनाक मौत दी और फिर आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, गौर से सुनिए। इसका राणा साहब टारगेट क्या था? उन खवातीन से दुश्मनी क्या थी? रिश्ते में फुफो लगती थी,
रिश्ते में बिल्कुल सगी फुफो थी दोनों, ठीक है, और इनके इस से कबल इसी घर में 3-4 महीने पहले एक चोरी हुई थी जिसका मुकदमा भी दर्ज है थाना ग्रीन टाउन में। इनमें से एक जो मकतूला है उसके वो उसकी मुदैया, उसने वो पर्चा दर्ज करवाया था, उसमें 25-30 तोले सोना चोरी हुआ था, उसमें 5-6 लाख कैश था और इसके अलावा उसमें कुछ यूरो या पॉन्ड्स वगैरह इस तरह की करेंसी चोरी हुई थी। ये वो बाद में इनको अपनी फैमिली के अंदर ही इस चीज़ का पता चल गया कि इस लड़के ने चोरी की है जिसने अभी इनको कत्ल किया है, इसी मुलजम ने। इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम अहमद कमाल। ये चोरी भी उसी ने की थी? उसी ने की थी। वो केस का फिर क्या बना? उस केस का पुलिस के एंड पे कुछ नहीं बना, ठीक है, क्योंकि पुलिस को इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने फैमिली के अंदर जब पता चल गया तो वो चीज़ें वापस हो गई, सोना भी वापस हो गया। मुलजम ने वापस कर दिया फैमिली के अंदर, और सोना भी वापस हो गया, इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी थी वो भी वापस हो गई, लेकिन कैश ये खा गया था, कैश वापस ना हो सका, ठीक है। उसी कैश के वापस ना होने की वजह से फैमिली में एक रिफ्ट पाई जाती थी, जो कि पुफियाँ जो है वो अपने इसको और इसके वालिद को बार बार कहती रहती थी कि ये तुम्हारा बेटा जो है वो चोर है, इसने हमारे घर में हमारे बाकी पैसे भी दो, ठीक है। तो ताने तो मिलने चीज़ें ताने मिलते थे और वो इसी तानों की बेस के ऊपर ही इसने अल्टीमेटली इसके माँ और बाप आपस में भी लड़ते रहते थे, लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो इसने खुद डिस्क्लोज़ की हमारे साथ। तो फिर इसने जो है अल्टीमेटली ये इंतहाई इकदाम उठाया जो कि मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए एक बड़ी, ये उन्हीं पैसों के चक्कर में दोबारा गया, उसी सोने के चक्कर में दोबारा गया। एग्जैक्टली अब इसका जो मकसद था वो कुछ सोना या जेवर नहीं था, ये उनको कत्ल करने के हैं, प्लानिंग ही कत्ल की थी। ताने क्यों देते हैं आप लोग? कि आप लोग ताने देते हैं, हाँ। और मतलब मेरी जान छूट जाए इस चीज़ से, अदरवाइज मैं जब तक जिंदा रहूँगा जब तक ये रहेंगी मुझे चोर चोर के ताने सुनने पड़ेंगे। तो इशफाक साहब, ये इस वकूए में कोई इस तरह की करेंसी गई हो घर से, ये जाते हुए कुछ साथ लेकर गया हो या सोना साथ लेकर गया हो? एग्जैक्टली इसने उस दौरान भी वकूए के को 80,000 रुपया वहाँ से चोरी की है। इसके अलावा ये जेवर ढूंढता रहा है, लेकिन अभी सरदस्त वो जेवर मान नहीं रहा, कहता है मुझे जेवर मिला नहीं, मगर अभी तफ्तीश जारी है, रिमांड पे है मुलजम हमारे पास, उसको अभी डिस्क्लोज ये चीज़ें होनी है, तो वो लालची आदमी है, वो तो उसने करना ही था, ठीक है। इसका मतलब ये खवातीन सो रही थी, ऐसा नहीं है कि ये चोरी करने गया, इसे वो टारगेट नहीं मिला, उन खवातीन ने देख लिया, चूँकि वो पहचानती थी कि घर में भतीजे के वकूए की रात, वहाँ पर रात को 9:30-10 बजे छुप गए। छुपने के बाद इसने वेट किया कि जब तक ये ओल्ड जो थी इसकी फुफैया तब तक सो जाए। जब वो रात को 2-2:30 बजे तक इसको यकीन हो गया कि अब ये मुकम्मल तौर पे गहरी नींद में है, तब इसने जाके जो कंपैरेटिवली सेहतमंद फुफो थी उसके ऊपर पहले अटैक किया, उसको सुबह एक ही कमरे में एक ही बेड पे दोनों सोती थी, लेकिन एक जो फुफो थी वो ज़रा कदरे बीमार थी, वो उठने छुटने के भी इतनी को खास काबिल नहीं थी। तो इस जालिम आदमी ने पहले जो है वो उसको मारा है जो ज़रा थोड़ी सेहतमंद थी, ताकि दूसरी तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये उसके अपने बयान के मुताबिक है, यार हम तो वहाँ नहीं खड़े हुए थे, मगर इसने फिर उनको मारा, उसके बाद फिर इसने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है? कॉज ऑफ डेथ जो है वो तेज़ धार आले से जो इसने वार किए उससे जो वाइटल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे ब्रेन है, जैसे दिल है, उनको डैमेजेस हुए हैं। तो उसकी जो तफसीलन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आने बाकी है। पुलिस तस्दीक कर रही है कि भतीजे ने फुफियों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। सफाक भतीजे ने इंतहाई बेदर्दी से फुफियों को कत्ल करके उनकी लाशों को आग लगा दी। घर कितने बजे पहुंचते हो? 4:30 के करीब। सुबह 4:30 बजे? जी। अल्लाह सुबह? हाँ जी। तुम्हारे घर वालों ने नहीं पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? हफ्ते की रात को हम बाहर रहते थे, वो ये समझ रहे थे कि मैं दोस्तों के पास हूँ। घर वालों को पता है कि सारी रात ये बाहर गुजारते हैं, आम बात है उनके लिए। हफ्ते की सिर्फ? हफ्ते की रात। हाँ जी, ठीक है। क्रिकेट वगैरह खेलते वापस आए तो किसी ने तुम्हें पूछा नहीं? आगे वो सब सोए हुए थे। कपड़े तब्दील किए? हाँ जी। कपड़े कहाँ फेंके वो वाले, क्योंकि उन पर खून लगा हुआ था? छत पे फेंके थे, पुलिस को दे दिए। छत पे फेंके हुए थे। फिर अगले दिन तुमने क्या किया वहाँ से जो पैसे लेकर आए थे? वो मैंने मुर्गे खरीदे थे उसके। अगले दिन मुर्गे खरीदे? हाँ जी। फुफों को कत्ल करके आए, उस वक्त तो चलो एहसास नहीं हुआ, अगले दिन जब पता चल रहा है ये कत्ल सामने आ रहा है और तुम मुर्गे खरीदने चले गए, लाशें उनके घर में पड़ी हुई थी। हाँ जी। ज़हनी तौर पर सही सेहतमंद इंसान हो तुम? हाँ जी। हाँ जी। इतनी बेहिसी कैसे आई है? तुम स्टूडेंट हो, इससे पहले तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तुमने एक चोरी की थी, चले गलती तुमसे होगी, ये इतनी बेहिसी तुम्हारे अंदर कैसे आई है? तुम कोई आदमी मुजरिम नहीं हो, ये इतना बेहिस कैसे हो गए हो, किस वजह से? पता नहीं। और फिर तुमने सोना भी ढूंढने की कोशिश की? हाँ जी। बाद में पता चला
तो टारगेट वो सोना था या तुम्हारी फुफो थी जिनके मैंने उन्हें कत्ल करना है? बस फुफो टारगेट थी। टारगेट थी कि ताने ना मिले बस, और अब जो ताने मिलेंगे तुम्हें सारी ज़िंदगी। क्या सोचा हुआ था तुमने कि वो क्या कोई भेड़ बकरियाँ हैं, वो मुर्गियाँ हैं कि उन्हें कत्ल करोगे किसी को पता ही नहीं चलेगा? हाँ जी बस ऐसे ही सोचा था। तुमने ये सोचा हुआ था जी कि ये लगेगा कि आग लगी है घर में? हाँ जी। फिर जब पुलिस ने तुम्हें पहली दफ़ा बुलाया फिर पता चल गया? हाँ जी पता चल गया। क्या मैं पकड़ा गया? हाँ जी। मुझे तुम्हारे चेहरे पे अभी भी कोई नदामत लग नहीं रही, ऐसे ही है या को थोड़ा सा एहसास है कि मैंने क्या किया, मैंने किन रिश्तों को ख़त्म किया? एहसास किसको नहीं होता, सबको ही होता है। एहसास है दो जाने लेने के बाद तुम्हारी माँ के बराबर थी, उन्हें कत्ल करने के बाद तुम्हें शायद वो अपना कितना अजीज़ बच्चा समझती होगी, दो कत्ल करने के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ। अब पछताने का क्या फायदा? पहले मुलजिम ने सोना नकदी चुराई और पकड़े जाने पर फूफियों ने ताने दिए तो गजबनाक हो गया। अगर मुलजिम को अपने किए पर शर्मिंदगी होती तो वो दोबारा कत्ल करके चोरी ना करता। पुलिस क्या कहती है? यानी कत्ल करने के बाद इसने आग लगाई? कत्ल करने के बाद इसने वाकये को एक रंग देने छुपाने के लिए, इससे पहले वो मर चुकी थी कि लोग ये समझे कि माइया घर में अकेली थी, ठीक है, और कोई हीटर जला होगा या कोई स्त्री जल्दी छोड़ दी होगी उसकी वजह से वहाँ पे। ये कितनी देर वहाँ पे रहा? जाहिर है जब कत्ल किया, अब ये कत्ल ना तो बुलेट से था ना किसी चाकू छुरी के साथ गला काटा, अब उसमें कैंची इस्तेमाल की, इसमें इस्तेमाल किया, जाहिर है कि उनकी जान निकलने में सांसें खत्म होने में वक्त लगा होगा, ये वहाँ तसल्ली से बैठा रहा होगा। बिल्कुल ये बैठा रहा, ये बैठा इसने इंतजार किया होगा और चेक भी किया होगा कि अब ये इसको तसल्ली हो गई तो उस वक्त फिर इसने वहाँ आग भी लगा दी ताकि अगर जो कमी पेशी रह भी गई है वो आग इनको बिल्कुल ही जला जलू भी दे और सबूत भी इस चीज़ का जाया। करने के बाद कहाँ जाता है मतलब? ये वकुआ करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। तो घर वालों ने पूछा नहीं इस वक्त कहाँ से आ रहा है? देखिए वो भी चीज़ें, वो तफ्तीश में भी काफ़ी चीज़ें और भी सामने आनी है। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं मुलजम से जो इसने वकुए के वक्त पहने हुए थे, कोई और वो ब्लड स्टेन्ड है पूरे उस पर, उन मकतूला दोनों का खून उस पर लगा। बिल्कुल ठीक। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम घर वालों ने किसी ने नोटिस नहीं किया? अगले दिन जब ये पता चल गया कि ये कत्ल हो चुकी है तब भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये सुबह अर्ली वापस आया घर पे? फैमिली में से सबका चोरी की वजह से कुछ लोगों को डाउट शक था, कुछ लोगों को शक था, और जितनी आप बता रहे हैं रिफ्ट चल रही थी जी तो उस वजह से सीधा शक जाना चाहिए। मगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखें आजकल हम पुलिस मार वाली तफ्तीश तो हम करते नहीं, आजकल चीज़ें बड़ी टेक्निकल हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब काफ़ी एडवांस इन्वेस्टिगेशंस भी चली गई हैं, तो इसको अब मारने का तो था नहीं। फैमिली हमें कहती तो थी लेकिन इसको हमने एक दफ़ा इंटरव्यू किया ये नहीं माना, फिर जब चीज़ें सॉलिड हमारे हाथ में आई हैं तो तब इसको फिर हमने वो बताया तो फिर इसने एक्सेप्ट किया, फिर सारा इंकशाफ किया और सब कुछ। अभी रिमांड पे? अभी ये हमारे पास रिमांड पे है जिसके हम जितने भी एविडेंसेज हैं जो हमारे DI साहब इन्वेस्टिगेशन और SP साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से हमें अहकाम है उसकी रोशनी में हम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। इशफाक साहब दो चीज़ें हैं आखिर में, एक तो इसी का जो वालिद है वो मुदई है, उस वक्त तक आप लोगों को नहीं पता था, तो अब मुदईत का क्या होगा, इसकी मुदईत तब्दील होगी, किसे मुदई बनाया जा रहा है? और दूसरा आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा कि जो पहला वकुआ था जिसमें इसने चोरी की, पुलिस उस केस को क्लोज नहीं कर सकी, ना उन्होंने बताया, आप समझते हैं उनकी गलती थी, तब अगर ये पुलिस ने भी इसे थॉरली इंटेरोगेट किया होता, ये इन्वेस्टिगेट इस केस को किया होता और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा होता, इसे सज़ा मिली होती, ये जेल की सलाखों के पीछे होता तो आज इतना बड़ा ये वकुआ पेश ना? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पहले तो जो आप कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपने मुदय्यत का पूछा वो ये है कि एग्जैक्टली देखें भाई एक बहुत सगा रिश्ता होता है, हमने भाई को इसीलिए कंप्लेनेंट बनाया था कि उससे ज़्यादा क्लोज रिश्ता तो कोई नहीं है, लेकिन अब चूंकि उसका बेटा ही मुलजम निकल आया है तो हम इस मुदय्यत को डेफिनेटली चेंज करेंगे और अब हम देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एक बहन है जो इनके साथ काफ़ी खलूस और उनका प्यार उनके साथ था, उनको बनाएंगे मुदई ताकि मुजरम को सजा मिलने में कोई रुकावट ना रह सके। पुलिस अब मुदय्यत तब्दील करने पर कर रही है गौर क्योंकि मुदई का बेटा ही कातिल निकला है। पुलिस सफाक मुलजिम को सजा दिलवाएगी, सवाल ये है कि क्या वरसा मुलजिम की हमायत कर रहे हैं? वाले तुम्हारे क्या कहते हैं आप, क्योंकि वो मुदई हैं? कोई भी नहीं आया मेरे पास, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आया, चलें तानों से जान छूट गई,
ताने तो अब कोई नहीं देगा ना? नहीं, क्योंकि अब साहब अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, फांसी के फंदे पे लटकेंगे, अब तो ताने नहीं मिलेंगे ना, तो ये तो बेहतरीन हो गया फिर। हाँ जी, सबसे अच्छा हो गया। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं। कोई पैगाम? नहीं कोई। घर वाले तुम्हारे नहीं आए, चले वो देख रहे हैं, अगर तो उनके नाम कोई पैगाम देना चाहो कि तुम्हारे पीछे आए, तुम्हारे वालिद मुदई हैं, सब सुकून से रहें, खुश रहें, सब सुकून से रहें, खुश रहें, खुश रहें। तुमसे तंग थे तुम्हारे वाले? सुना मैंने, शरीफ आदमी है, उनकी इज्जत भी तुमने बर्बाद की जब ये चोरी की, ऐसे ही? हाँ जी। क्यों चोरी का ख्याल आया था? क्योंकि इस चोरी की वजह से सारा मामला आगे बढ़ा जी। क्यों, क्या जरूरत थी, क्या तुमने ऐसी जरूरत पूरी करनी थी कि तुमने चोरी की? काम शुरू करना चाहता था। तो वाले से नहीं कहा था? वालिद के पास इतनी इनकम नहीं होती। इनकम नहीं थी तो आसान हल था कि चोरी कर लो, या रात चलते किसी को लूट लो, डाका मार लो। हाँ जी। ऐसे ही जी जी। या दिल में ये ख्याल नहीं आया कि जवान हो अभी 22-23 साल तुम्हारी उम्र है, इन हाथों में अभी ताकत है, कुछ मेहनत करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, सब कुछ दुनिया में आ जाता है, इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया? नहीं। या ऐसे दोस्तों की सोबत में बैठते हो? नहीं, दोस्त सारे अच्छे हैं मेरे। सब अच्छे हैं, एक तुम ही बुरे थे? हाँ जी, मैं ही बुरा हूँ। जी मैं ही बुरा। किसी ने तुम्हें समझाया नहीं तब जब तुमने चोरी की थी कि तुमने क्या किया? समझाया था, सबने समझाया। वो तुम्हें समझ तो नहीं आया ना, तुम्हारे वालिद का कहना, ना माँ का कहना, ना दोस्तों का कहना समझ आया? तुमने उससे बड़ी वारदात प्लान कर ली? हाँ जी। उससे बड़ा तुमने ये काम कर दिखाया? हाँ जी। तैयार हो जहनी तौर पर आखिरी बात फांसी पे लटकने के लिए? हाँ जी बिल्कुल तैयार हो। या आपको गेम चलेगी क्योंकि ये फैमिली है सारी, फिर को माफ़ी ताफ़ी हो जाएगी? मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। माफ़ी चाहिए ही नहीं है? अगर कोई बंदा तुम्हारी फैमिली में कोशिश करे कि तुम्हें माफ़ी मिल जाए तो तुम्हें माफ़ी नहीं चाहिए? नहीं। जेल में रहना चाहते हो, फांसी पे लटकना चाहते हो? सफात मुलजिम ने दो बुजुर्ग खवातीन को कत्ल किया है। मुलजिम एतराफ कर रहा है कि उसने जो जुर्म किया है उस पर उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। गौर से सुनिए पुलिस अफसर ने क्या कहा। दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो पहला वाकया था वो इस वाकये का शाखसाना बना। अगर उस वाकये को उस टाइम के ऊपर प्रॉपर नोटिस किया होता, उसके ऊपर जुरिसडिक्शन ली होती और इसको पकड़ा होता तो शायद ये वाकया पेश ना आता। लिहाजा ये एक लर्निंग भी है आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, लोगों सबको, कि चीज़ों को कभी भी निगलेक्ट ना किया करें, चीज़ों को गौर से देखा करें। जो चीज़ छोटा छोटा जुर्म पहले फैलता है और बिल आखिर वो किसी बड़े जुर्म का बायस बनता है। हम आपको अप्रिशिएट करें जिस तरह से आपने इसमें रिस्पॉन्ड किया और मुलजम को पकड़ा और ये सारा केस रिवील किया। उस केस में जो पहले वाली FIR हुई थी उसमें पुलिस की कोई नेगलिजेंस है कि पुलिस ने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया उस केस को? देखें, पुलिस को जितना ओवरवर्क हुआ हुआ है, पुलिस ख़ासतौर पर थाना ग्रीन टाउन है, इस पर बेशुमार FIR दर्ज होती हैं, फिर पुलिस ने उसको क्लासिफाई किया होता है, जिनके कंप्लेनेंट ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इन्होंने परसू ही नहीं किया, काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने तो परसू नहीं किया, इनको फैमिली में पता लग भी गया, इन्होंने फिर भी हमें नहीं बताया कि चोरी किसकी थी। तो लिहाजा पुलिस के ये चीज़ नोटिस में नहीं आई। इसमें पुलिस का ऐसा कोई ऐसा तो नहीं, कोई मैलाफाटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि बताया नहीं गया इसलिए इस पर काम ही नहीं हो सका। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जो ये केस है, इसमें हमारे जितने भी अफसरान हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत दिलचस्पी ली हमारे DA साहब इन्वेस्टिगेशन ने, SP साहब ऑपरेशन ने और SP इन्वेस्टिगेशन ने, और उनकी गाइडेंस के तहत ही ये सारा मामला हम अंजाम तक पहुंचाने के काबिल हैं। पुलिस के मुताबिक वो केस को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुलजिम के खिलाफ वाज़े सबूत मौजूद हैं। सफाक मुलजिम ने अपने खून के रिश्तों से मुंह मोड़ लिया है। सफाक मुलजिम ने अपनी फुफियों के तानों से तंग आकर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया और ताने भी वो जो बेवजह न थे। उम्मीद है कातिल को सजा मिलेगी। बेगुनाहों का खून बहाने वाला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।